प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में अपने विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री रहता है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सराहना के स्वर सब तरफ से आ रहे हैं, ये विपक्ष की राजनीति को कितना संकट में डालेगा, इस पर बतौर पत्रकार आपका नजरिया जानने में दिलचस्पी है। पूरे अखबार भरे पड़े हैं, बता रहे हैं कि देखो अमेरिका कितनी तारीफ कर रहा है, देखो रूस कितनी तारीफ कर रहा है, देखो फ्रांस भी भारत के गुणगान कर रहा है। आजकल जयशंकर जी की प्रशंसा के संदर्भ में भी बड़े बयान जो है अखबार और चैनल की सुर्खियां बनते हैं। क्या कहते हैं आप, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देश की राजनीति को किस कदर प्रभावित करने वाली है? जी डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो हाउडी मोदी, वो नमस्ते ट्रंप, वो ट्रंप के लिए वोट मांगना जाकर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दो देशों का संबंध किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के रूप में खतरनाक स्तर तक से बढ़ रहा है जी। कि अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे वो भी खतरनाक है, और रूस का राष्ट्रपति अगर बोले कि मेक इन इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली वाइज है ही, साथ साथ एथिकली वाइज है, और उसके उसके मोटिव अगर इसको घरेलू राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बात बनाना है तो ये भी कोई शुभ संकेत नहीं है। तो ये घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन को हमेशा हमने गलत माना है, तो जिस लाइन पर जहां पर ये लाइन टूटती है वहां खुद बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कि इस प्रशंसा में कहीं कुछ छिपा हुआ तो नहीं है, इस यहां पर विपक्ष को भी देखना पड़ेगा। तो ये देश का जब सवाल आएगा तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रवृत्ति बड़ी है, ये मैं साफ तौर पर देख रहा हूं कि रूसी राष्ट्रपति को कोई आवश्यकता नहीं कि घरेलू राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान दे, अगर वो दे रहे हैं तो ये उनके हित में हो सकता है, हिंदुस्तानियों के हित में नहीं हो सकता, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात है घरेलू राजनीति पर इसका असर पड़ता है, ऐसे भी कोई भी बात घटना घटती है तो उसका उस पर विमर्श होता है, बीजेपी के लिए ये अवसर है। अब ये काउंटर विमर्श जब होगा कि एक्चुअल बात क्या है, इस प्रशंसा के मायने क्या है, वो तो हमें नहीं लगता कि कभी सामने आ पाते हैं, वो तो डंका ढोल में ही खत्म हो जाता है कि हमने तारीफ की। मैंने कहा कि भाई रूसी राष्ट्रपति से हमें हमारे प्रधानमंत्री को कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री देशभक्त है, ये वैसे ही सत्य है जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री है देशभक्त। हाँ, ये अलग बात है कि यही नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा था जब मनमोहन सिंह जी के लिए कि वो गुजरात में चुनाव हराने के लिए पाकिस्तान के साथ मिल करके साजिश रच रहे थे, तब उसके लिए हालांकि माफी मांगनी पड़ी थी राज्यसभा में, लेकिन वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री की अवमानना ही थी, ये भी उदाहरण मौजूद है इस देश जी। तो कुल मिलाकर हम पूरे घटनाक्रम पे जाए तो समझ में ही आता आज की चर्चा के बाद कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिनों दिन महत्वपूर्ण हो रही है, ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इन तारीफों पर मुग्ध नहीं हो जाना है, क्योंकि देश के अंदर अभी भी अपने नागरिकों को समृद्ध करने की दृष्टि से हमें लंबी यात्रा तय करनी है। हमें जैसे मंजीपुरी साहब बता रहे थे कि हम भले ही चौथी अर्थव्यवस्था बन गए पर कैपिटल इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय जो हिंदुस्तान के संदर्भ में है वो अभी भी दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बहुत कमतर है, तो हमारा सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन उस सफ़र को तो हम तय करेंगे। पर अगर विश्व राजनीति के मंच पर ऐसे जटिल घटनाक्रम के बीच इस देश को हर ओर से सराहना मिल रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए, जैसा अजय उपाध्याय जी ने भी कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत की ये भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बनकर विश्व पटल पर आएगी, लेकिन साथ साथ अंदरूनी चुनौतियों से उभर पाने में भी ये देश सफल होगा, इस कामना के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है